सो so, ये पहले भी रिकॉर्डिंग आपके पास आ गई है प्लीज उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनना फिर भी जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम रिकॉर्डिंग इट प्रजेंटेड बाई हिज मदर एंड सोर थ्रोट एंड वॉइस फुल स्टॉप ए बड़ा एलोंग विद डैट ही वॉज ए फेबराइल एंड इरिटेबल एंड हिज टेम्परेचर

तो बेसिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती सो so में सब कुछ कवर हो जाता है सो so या फिर hence, कि इस कारण से ही वॉज असेस्ड विद टॉन्सिलाइटिस हमेशा ऐसे लिखना है और उसके बाद कनेक्टर लगेगा टॉन्सिलाइटिस की स्पेलिंग आप प्लीज ठीक कर लेना टॉन्सिलाइटिस फॉर विच जिसके लिए हमने क्या दिया फोरविच ये भी हमेशा ऐसे ही कनेक्टर लगेगा फॉर विच पेंसिलिन टू फिफ्टी एम जी

ट्वेंटी तो एट को आया था ये ट्वेंटी में उसके बाद ट्वेंटी जनवरी उसके बाद ट्वेंटी एट जनवरी है ये वन मंथ एट डेज है यानी इसके बाद वो एक महीना और सिर्फ सेवन डेज की मेडिकेशन लेके गया था और एक महीना आठ दिन आया ही नहीं यानी कि कुछ विजिट मिस किया है अगेन आपको ओवर मेंशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको मन से पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ किया सो so, अब मैं आज की डेट मानू तो आज की डेट इज शोइंग थर्टियथ तो मुझे ये लिखना चाहिए कि टू डेज बैक टू डेज बैक ही अगेन या ही रिविजिटेड या ही वॉज रिप्रेजेंटेड बाय हिज मदर एंड शी रिपोर्टेड दैट उसने बताया कि शी रिपोर्टेड या शी स्टेटेड दैट शी स्टेटेड दैट जैमी जैमी मतलिको, हाँ हम तो फर्स्ट नेम ही यूज कर रहे हैं इसमें कि मास्टर जैमी तो एम आर लिख देना वहां पे मास्टर जैमी एम आर कैसे लिखेंगे वही जैसे मिस्टर लिखते हैं लेकिन मन में हम मास्टर बोल रहे हैं क्योंकि हमने रिगार्डिंग में मास्टर तो मास्टर जैमी फर्स्ट नेम का यूज करना है और नेम हमेशा कैपिटल गलती से भी छोटा नहीं करना मास्टर जैमी हैड ब्राउन यूरिन फोर डेज अगो एंड ऑल्सो अगर रिपोर्टेड वर्ड यूज किया है तो स्टेटेड और स्टेटेड वर्ड किया तो रिपोर्टेड एंड ऑल्सो रिपोर्टेड दैट ही जब तक टूडे की विजिट नहीं लिखोगे तब तक जितनी भी विजिट पुरानी विजिट होंगी उसको पास्ट में लिखना है आपका मन करेगा इज लिखने का पर इज बिल्कुल नहीं लिखना अगर गलती से लिखा भी जाता है तो जब आप अपनी लेटर को दोबारा चेक करोगे रिवाइज करोगे इसे प्रूफ रीडिंग बोलते हैं जब आप लेटर की प्रूफ रीडिंग करोगे मेक श्योर टूडे लेटर के अलावा विजिट्स की कोई भी बात प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए क्योंकि पास हमेशा होता है तो उसकी मदर ने वही था उसकी मदर ने बताया कि वॉज फाउंड विद टॉन्सिलर हाइपर ट्रॉफी एंड यूरोनालिस ने रिवील किया मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक फुल स्टॉप अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेटर का जो मैं आपको बता रहा हूं हेमाटूरिया था सो ही वॉज सस्पेक्टेड विद ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ही वॉज सस्पेक्टेड विद आईदर पोस्ट स्टेप्टोकोकल नेफ्राइटिस आइदर दिस और यूटीआई ये बात समझने की है जब भी आपको क्वेश्चन मार्क में दिया होगा तो कभी भी एंड नहीं लगाना क्वेश्चन मार्क का मतलब शायद या तो उसको पोस्ट नेफ्राइटिस है या फिर यूटीआई है हम अभी भी कंफ्यूज हैं पहले तो हमें लगा था टोन्सिलाइटिस है अब टोंसिलाइटिस से इंफेक्शन बढ़ गया क्योंकि वो एक एक महीना आठ दिन आया नहीं हमारे पास और जब एक महीने आठ दिन बाद आया है तो उसकी सिम्टम्स और भी ज्यादा वर्ष हो गए हैं और वर्ष होने के साथ साथ हमें यह समझ आया है कि सिम्टम्स वर्स होने के साथ साथ अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इसको पोस्ट नेफ्राइटिस है या फिर यूटीआई है तो हमने क्या कहा कि भाई आप पानी पीना तो इसके बाद फॉर दैट जब आपको कनेक्टर लगाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी रिकॉर्डिंग में आएगी तो इसे बार बार सुनना जब आप कोमा लगाते हो तब तो लिखते हो फोरविच कोमा को फोर विच को ऐसे यूज करते हैं लेकिन जब लाइन लंबी हो जाती है तो आप इसको फुल स्टॉप लगाते हो और इसको कहते हो ये फर्क समझना है. है, है, है लेकिन मैं दिस और दैट का यूज कर रहा हूं क्योंकि फॉर विच मैंने ऊपर यूज कर लिया था और पास्ट में दिस नहीं होता दैट होता है इसलिए मैंने स्टॉप लगा के फॉर दैट का यूज किया सो so, ये रिकॉर्डिंग में प्लीज अच्छे से सुनना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट

इंक्लूडेड यूरिया क्रिएट इलेक्ट्रोलाइट या फिर बस फ्यू इन्वेस्टिगेशन लिख के खत्म कर दो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही तो हम लिखते हैं लेकिन हमने एडवाइस किया कि आप लो। okay? फिर आता है टू विजिट सो टू विजिट अगेन इट्स वेरी सिंपल टूडे द पेशेंट इज स्टिल सिम्टोमेटिक आना चाहिए था वो पहले भी सिम्टोमेटिक था अब भी सिम्टोमेटिक है ये गलती से दे है टुडे द पेशेंट इज स्टिल सिम्टोमेटिक हिज ब्लड प्रेशर इज लो एंड यूरोनोलिस ने क्या बताया था माइक्रोस्कोपिक तो यूरोनोलिस ने दोबारा यही बताया कि उसको हेमाटोरिया तो यहाँ पे आप वर्ड रिवील्ड की जगह लिख सकते होज कन्फर्म्ड कन्फर्म्ड हेमाटूरिया फिर उसके बाद एंड ऑल्सो हिज रिपोर्ट शो दैट यूरेनियन एंड क्रेटिन आर एलिटेड एलोंग विद एसओटी

ऐसे लिखेंगे ठीक है या फिर इसको थोड़ा अच्छा करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइंस दीज कौन से जो अभी मैं हमने ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइंस या ऑन द बेसिस ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ही देखे हैं सो ऑन द बेस ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट असेसमेंट ऑफ

नहीं तो दूसरा तरीका इसी बात को लिखने का असेसमेंट ऑफ डायबिटीज ये दूसरा तरीका लिखने का हैज बीन मेड दोनों बातें सेम है तो लिखने के तरीके अलग अलग हैं ये अकेली लाइन है जो फर्स्ट पैराग्राफ में भी आई थी और इसमें भी रिपीट करेगी इज इट ओके फॉर एवरी सर सबके लिए ओके okay है yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.